गढ़चिरौली के नक्सली आदिवासी बांधवों के साथ रापणी द्वारा भेदभाव करने का आरोप। राज्य सरकार ने नक्सल पीड़ितों को रापणी में नौकरी देने का ऐलान किया था, जिसके तहत मुंबई में आयोजित एक समारोह में जिले के 68 नक्सल पीड़ितों को नौकरी के आदेश पत्र बहाल किए थे। लेकिन अब स्वयं राष्ट्रीय परिवहन निगम, राज्य सरकार ने नक्सल पीड़ितों को राज्य परिवहन निगम में नौकरी देने का ऐलान किया था, जिसके तहत मुंबई में आयोजित एक समारोह में जिले के 68 नक्सल पीड़ितों को नौकरी के आदेश पत्र बहाल किए गए। लेकिन अब स्वयं रापणी विभाग द्वारा संबंधित नक्सल पीड़ितों को विभिन्न दस्तावेज की पूर्तता न करने पर नौकरी से निष्कासित करने का पत्र भेजा जा रहा है, जिसके चलते अपनी नौकरी बचाने के लिए शुक्रवार को संबंधित नक्सली पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। बता दें कि नक्सल पीड़ित होने के कारण अधिकांश युवा अपने गांव लौट नहीं पाए हैं। जिला अथवा तहसील मुख्यालय में रहकर यह नक्सल पीड़ित अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने मुख्यमंत्री फडणवीस और परिवहन मंत्री रावते ने बिरसा मुंडा पुनर्वसन योजना के तहत रापणी में वाहन चालक और कंडक्टर पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। 21 जनवरी 2018 मुंबई स्थित रापणी के एसटी मुख्यालय में जिले के 68 नक्सल पीड़ितों को नौकरी के आदेश प्रदान किए गए। मात्र इनमें से 38 उम्मीदवारों के पास में दस्तावेज का अभाव होने से उन्हें पहले ही नौकरी से निष्कासित किया गया। शेष 30 उम्मीदवारों को 45 दिनों के प्रशिक्षण हेतु गढ़चिरौली अहेरी व ब्रह्मपुरी आगार में भेजा गया। 1.5 माह के प्रशिक्षण के बाद सभी 30 उम्मीदवारों ने 6 माह की सेवा भी रापणी में प्रदान की। लेकिन अब स्वयं रापणी द्वारा संबंधित उम्मीदवारों से विभिन्न दस्तावेजों की मांग की जा रही है। आगामी 7 दिनों के भीतर नक्सल पीड़ित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर नौकरी से बर्खास्त करने की चेतावनी विभाग द्वारा दी जा रही है, जिसके चलते शुक्रवार को दर्जन नक्सल पीड़ितों ने गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से नौकरी बचाने की गुहार लगाई। रापणी में नौकरी पाने के बाद सभी नक्सल पीड़ितों में खुशियों की लहर थी, लेकिन अब नौकरी जाने के डर से संबंधित नक्सल पीड़ितों में असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। राज्य परिवहन महामंडल ने 30 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवारों को मात्र 1.5 माह की सेवा उपरांत ही सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसमें मनीषा पुंगाटी, सविता हिडामी, महेंद्र आत्राम और करण नरोटे का समावेश है, जबकि साईनाथ पुंगाटी नामक नक्सल पीड़ित को 1.5 माह के प्रशिक्षण कालावधि में बर्खास्तगी का पत्र थमा दिया गया। रापणी विभाग के नियंत्रक वाड़ी भस्मे को पूछे जाने पर उन्होंने कहा, राज्य परिवहन निगम में जिले के कुल 30 नक्सल पीड़ित को वाहन चालक और कंडक्टर पद पर नौकरी दी गई है। विभाग द्वारा उनसे नक्सल पीड़ित होने का प्रमाण पत्र मंगवाया गया है। जिनके पास यह प्रमाण पत्र है उसकी नौकरी नियमित की जाएगी। नियमित के अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं। नक्सल पीड़ित असून आम्हाला 21 जानेवारी 2018 माननीय दिवाकर रावते परिवहन मंत्री तसेच विष्णुसार आदिवासी विकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईला बोलावले होते। त्या दिवशी आम्हाला नियुक्ती दिली, तसेच त्यांनी आम्हाला सांगितलं की एसटी महामंडळाचे तुम्ही कर्मचारी आहेत असं त्यांनी सांगितलं। त्या दिवशीपासून आम्ही आल्यानंतर 6 महिने आम्ही सेवा दिली आहे एसटी महामंडळाला आणि पगारसुद्धा त्यात आहे। सगळं पर सर्विस बुक पण बनलेलं आहे। त्यानंतर आता एक नवीन जी आरनुसार एसपी ऑफिसवरून असं येतात की तुम्ही नक्सल प्रमाणपत्र मागवा, नाहीतर अन्यथा तुम्हाला नोकरी तुमची रद्द होईल असं त्यांनी वारंवार आम्हाला पत्र पाठवत आहेत। परंतु आम्ही त्या जी आरमधून न लागता आम्ही नवीन जुना जी आर जो आदि बिरसा मुंडा पुनर्वसन प्रकल्प याच्यामधून आम्ही लागलेले, त्याच्यामध्ये असं काही समाविष्ट नाही की यांना नक्सल पीडित प्रमाणपत्र आवश्यक आहे असं काहीच नाही आहे, नमूद नाही आहे। त्या आणि जो नवीन जी आर आहे 6/3/2018 निघाला आहे त्या जी आरमध्ये नमूद आहे, परंतु ते क्लास 3 आणि क्लास 4 आणि ते सरकारी नोकरीसाठी आहे। त्याच्यामध्ये आपले यांनी समाविष्ट करण्यासाठी किंवा आम्हाला काढण्यासाठी असे पत्र आम्हाला पाठवत आहेत। एसटी महामंडळामध्ये आम्हाला दिवाकर रावते यांच्याकडून मुंबईला नेण्यात आले होते। तिथून आम्हाला डायरेक्ट एसटी महामंडळामध्ये वाहक चालक वाहतूक म्हणून आम्हाला रोजगार म्हणून आम्हाला एसटी महामंडळामध्ये सामावून घेतले। बिरसा मुंडा योजना अंतर्गत आम्हाला ते लोक एसटी महामंडळामध्ये सामावून घेतले आणि सामावून घेतल्याच्या नंतर आता आम्हाला 3-3, 4-4, 6-6 महिने झाले आहे। काही लोक ड्युटी करून पेमेंट उचलत आहे आणि काही लोक ट्रेनिंगवर आहेत, आणि हे आमचे जे सोबतचे आहेत ते आमचे बहीण भाऊ जे तुम्हाला तुम्हाला दिसत आहे ते सर्व आपले आहेत आमच्यासोबतचे ते लोक। पण आता आम्हाला असं म्हणत आहेत की वैध प्रमाणपत्र द्या म्हणून, की आम्ही त्या प्रमाणपत्राच्या डिस्ट्रिक्टवर आम्ही लागलंच नाही, बिरसा मुंडा योजना अंतर्गत आम्ही लागलं तर त्या प्रमाणपत्राचा आमचा काय संबंध आहे बा।
आम्हाला म्हणायचं हे आहे की आम्हाला जे सत्य काय आहे त्या सत्याची जाणकारी घे, सत्य काय आहे त्याच्यावर पुरा कारवाई करावी आणि सत्य काय आहे त्या सत्याची कारवाई करून आम्हाला न्याय मिळून द्यावा, एवढंच बोलणं आहे आमचं.